अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने बहुत दिन पहले दुपट्टा बनाया था, तो उसमें मैंने आपको शीशे लगाने सिखाए थे। आज मैं उसी के दरमियान ये सिंधी बूटी बनाकर आपको सिखा रही हूँ बनाना। और इसके ठप्पे तो मैंने नहीं लगाए, मैंने मेरे पास हैं वैसे ठप्पे। मैंने ये इसके साथ पेन के साथ ये यूँ खाने बना लिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने पेन के साथ बना लिए हैं। और ये देखें, ये कलरफुल ये यूँ भरा है भरेगा, मगर मैंने कहा है आपको एक सिखा दूँ पहले आपको। ये हमने इधर से लिया, हाँ जी, ये लिया हमने। पहले हमने ये मैं आराम आराम से बताऊंगी ताकि आपको एक पता चल जाए। हमने जो धागा है ना, ये अगर आपने रखना है तो यहाँ सारा आप जो भी बनाओगे ऊपर की तरफ रखोगे। अगर आप बना रहे हो, आप शुरू स्टार्ट किया है, तो फिर आपने ये धागा हर जगह से नीचे रखना है। अब आप मैं ये मैंने यूँ रखा है, ये मैंने निकाला है, ये यूँ रखा है, और अब आप देखते जाएं। ये देखें नीचे है ना धागा, ये ऊपर सुई वाला धागा जो है ना वो ऊपर है। आप ये देखें, अब ये आगे अभी मैं फ्रेम लगाती हूँ। अब ये आ गया, अब मैंने यहाँ से उठाया, ये मैंने ऐसे रखा है, शीशे टूट जाते हैं अगर शीशा होता तो। ये मैंने ये आया, अब ये देखें धागा ऊपर है, इस ये धागा नीचे है, ये ऊपर है। अब ये जो दूसरा ना, इसके नीचे से लेके जाए आप ऐसे, फिर आप इस तरफ आ गए। ये आ गया, फिर आपने अब ये ऊपर है ना, अब इसके नीचे से यूं हम अब ये जो हमने बनाया हुआ ना, इसके साथ ही आपने बहुत फासला नहीं छोड़ना, आपने यूं इसके साथ ही
अब ये देखें, ये ऊपर ही होगा जो हमने बनाते हैं, उस में पहले ऊपर होता है, फिर ये नीचे से मैं लेके आई हूँ, फिर ये ऊपर इसके ऊपर से आएगा और इसके नीचे से जाएगा। ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ ऐसे। अब ये बन गया ये। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब ये मैं उल्टी है, ये आपने यूं करके देखा, ये ऊपर जा रहा है, आपने इसके नीचे से ये आ गया। ये अभी मासी आ गई है हमारी, बस छोड़ डाली है। ये देखें, ये मैंने उल्टी चुनी करके मैंने ये ये मासी क्या हुआ? पर्ची दी उसने सफाई करके दे रखी। हाँ, सफाई भी करवानी थी ना। हाँ। तो भाई उसके मुमा का हुआ 30 किलो कणकी। हाँ। फिर उसने बोला मासी के उसमें किचरा। हाँ हाँ। फिर लौंगा मैं 300, मुमा का ऐसा बोला। अच्छा, ये पर्ची बना के दी है। और किरण का, किरण का भी किचरा आटा है, लुगा आटा ऐसे करके हाथ डाल के देखते हैं फिर क्या करूँ। अच्छा चलो, उसकी भी सफाई होगी। 180 उसका बोला है, लेकिन भाई पर्ची बना के दे दे तो मैं उन लोगों को दे दूंगी। हाँ सही है मासी, यह उमा को दे दो। एक असर है, एक अब्दुल्ला। अच्छा, उमा को दे दे। हाँ जी बाजी, के 6 बजे लेके जाना। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी पीसेगा, लेट आएगी पीसेगा। हाँ। बड़ी सफाई होगी जब ही देगा ना, बोल के ताई भाई सही पीसना। हाँ सही है। दूसरी चक्की पे गई के लाइट नहीं है, तो मैं भाई आगे लेके चल। हाँ। चल आगे लेके गया दूसरी चक्की पे। हाँ मासी, घूमना पता है आप देख रहे हैं ना, मासी की बातें भी आपने सुनी। मासी अभी चक्की, आटे वाली चक्की, आटा था, गंदम थी तो पिसवानी। अब पहले तो मेरे मियाँ साहब थे, वो ले भी जाते थे, लेके भी बच्चे कहाँ लेके जाते हैं, तो वापस भाग जाते हैं फिर बस। अब फिर मासी को बोला, मासी आप ये काम करते हैं। मासी ने कहा अच्छा मैं करता हूं। मासी का शुक्रिया हम कह रहे हैं, मासी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं उल्टी सुई करके और ये आया, फिर ये जो है ना अंदर से भी ये जो हम करके गए ये आप अगर पहली दफा बना रहे हो, पहले आप चेक कर लेना कि वो धागा उसके अंदर ही जा रहा है ना, ऊपर से गुजर तो नहीं गया। अगर गुजर गया तो फिर आगे वाले उसमें जाना है फिर आपने। ये देखो, अब वो पीछे से मैं कर रही थी ना, नहीं जा रहा था, मैंने फिर उसके सुई के नक्के से मैंने ऐसे किया ये।
फिर ये मैंने पीछे से, जब चला जाए तो ठीक है, अगर नहीं गया तो फिर आप सुई के नक्के से ही आपको आज मेरी कल मेरी कल जुम्मा था, कल मेरी इद्दत पूरी हो गई मेरे मियाँ साहब को, 4 माह और 10 दिन हो गए, देखो कैसे दिन गुजर करते हैं, पता नहीं करता। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के फिरदौस में जगह दे, ये आप ये ये इसमें ये ऐसे आपको अब आ गए ना, ये फिर ये जो है हम इधर से लेके इधर से भी हम उसके अंदर से अब आए जैसे जार पाई बुन रहे हैं ऐसे लगता है। अब मैं इसके सेंटर में ये कर दूंगी ऐसे, बन गया ना। अब ये देखा ये वाला बनाया है, ये वाला क्लियर बना ना आपने। अब आपके पास ठप्पे नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी, अपने मेरे पास ठप्पे भी है, ठप्पे भी लगाती हूँ, मगर मैंने कहा कि अगर आपके पास नहीं ठप्पा तो आप किसी मुश्किल में ना पड़ो, ऐसे पेन से भी आप मार्क कर सकती हो, मार्क करके फिर आप उसको बनाओ। आप कैसे हैं, सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे, औलाद की खुशियां दिखाए, और अपने ना आपको औलाद का गम दिखाए ना औलाद को माँ बाप का गम दिखाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश हो कुरम रखे, हमेशा हमेशा हंसते मुस्कराते रहें। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें, ये अब आपको आ जाएगा इंशाल्लाह बनाए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।